मिसाल के तौर पर हम गोवा के खनन उद्योग की बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गोवा में सारी माइनिंग लीज रद्द करने के बाद से यहाँ के लोग परेशान हैं। कोरोना संकट के कारण गोवा के टूरिज्म सेक्टर का हाल पहले से ही खस्ता हो चुका है और आय का दूसरा साधन माइनिंग भी ठप पड़ा है, जिसके हाल फिलहाल खुलने की उम्मीद भी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक गोवा की कुल जनसंख्या 14 लाख है, जिसमें से तकरीबन 3 लाख लोगों को खनन उद्योग से रोजगार मिलता था। टूरिज्म के पूरी तरह से खत्म होने के बाद गोवा के पास रेवेन्यू का कोई जरिया नहीं है। गोवा के कुल रेवेन्यू में खनन की हिस्सेदारी करीब 35 अरब की है। ऐसे में कोरोना काल में टूरिज्म के बंद रहने से अब माइनिंग ही सहारा है। टूरिज्म इज गॉन आउट ऑफ द रडार। द इकोनॉमी ऑफ दिस स्टेट इज हैविंग नो अदर एवेन्यूज टू गेट रेवेन्यू, सो देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रीस्टार्टिंग ऑफ द माइनिंग एक्टिविटी। मौजूदा समय को देखते हुए इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। हालांकि डिमांड में कमी होने के कारण अभी इस इंडस्ट्री को उभरने में समय लगेगा। द इंडस्ट्री इज लिंपिंग बैक अपार्ट फ्रॉम गोवा एंड ऑल अदर प्लेसेस, इट इज ट्राइंग टू लिंप देमसेल्व्स बैक टू द यू नो टू द ऑपरेटिंग साइकिल। इट विल टेक सम टाइम, आई बिलीव इट विल टेक मे बी अराउंड 2-3 क्वार्टर्स मोर, बिकॉज इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द माइनिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन। There has to be a demand, and today, as we are seeing, overall the demand is very, very poor. गोवा के खनन उद्योग जैसे बहुत सारे उद्योग यहाँ कानूनी पचड़ों और दूसरी अड़चनों के चलते बंद हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि सरकार विदेशी निवेश के साथ साथ घरेलू और पारंपरिक कारोबार को भी बढ़ाने के लिए कदम उठाए। आज तक ब्यूरो।